हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा? पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल एकदम? तो बच्चों, हम लोग आ गए हैं वेक्टर कैलकुलस के अगले वीडियो पर। तो को बेटा, पुराने सारे वीडियो आप देख लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया है, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है। और वेक्टर कैलकुलस के साथ साथ आप डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक बेटा नीचे दिया गया है, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि बेटों आप जानते हैं कि मैं घर से बाहर निकला हुआ हूँ, टाइम ख़राब ना हो, कुछ मजबूरी की काम से मैं घर से बाहर आया था, टाइम ख़राब ना हो, इसलिए मैं साथ में अपने फोल्डिंग बोर्ड बेटा लेके चल रहा हूँ। और जहाँ भी जा रहा हूँ बेटा, वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी मैं छोटी सी बालकनी में खड़ा होकर के आप ले वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि और कहीं मुझे स्पेस नहीं मिला। खुला आसमान है बेटा, लोग दिखाई पड़ रहे हैं इधर उधर, तो थोड़ा अच्छा लगता है। वैसे बंद कमरों में अकेले में वीडियो बना बना कई बार मैं भी बोर हो जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत बेटा यहाँ डिस्टर्बेंस हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, डिस्टर्बेंस तो लाइफ में चलता रहता है। लेकिन आपको मेरी बात थोड़ी पूरी समझ में आएगी और बच्चों आपको सब कुछ क्लियर दिखाई भी देगा, टेंशन नहीं पालना बच्चों। तो चलिए बेटा, हम लोग आज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो हमने पढ़ा था, उसका बेटा हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और ये होता है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करना, जिसका हिंट तुमको मैंने पिछले वीडियोज़ में भी दिया था। तो बच्चों देखो, हमें क्या करना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को बच्चों वेरीफाई करना है। देखो, एक हमें यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, वेक्टर फंक्शन जो कि होता है आई जे के में, दिया गया है 4xz i कैप माइनस y² j कैप और प्लस होता है yz k कैप। देखो, फंक्शन दिया गया 4xz i कैप माइनस y² j कैप और प्लस का yz k कैप। ठीक है, और देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो सरफेस दिया गया है, सरफेस देखो बच्चों यहाँ पर दिया गया है x = 0, y = 0, z = 0, x = a, y = a, z = a। और हमसे कहा गया है कि वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो बच्चों, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को हमें वेरीफाई करना है। देखो बच्चों, क्या है ये जो हमें, एक्चुअली ये प्लेन्स हैं कई सारे, जैसे एक्स बराबर जीरो क्या होता है, वाई जेड प्लेन होता है, वाई बराबर जीरो क्या होता है, एक्स जेड प्लेन होता है। देखो ऐसा है कुछ यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ऐसे करके देखो बच्चों है। देखो जैसे कि मान लीजिए जो हमारा एक्स बराबर जीरो है, ये बच्चों एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स वाई प्लेन है, और एक्स बराबर जीरो है बच्चों वाई जेड प्लेन है, क्योंकि x इक्वल टू जीरो होती है वाई जेड प्लेन की इक्वेशन, और जो x इक्वल टू ए है ये हो गया वाई जेड प्लेन के पैरेलल प्लेन ए डिस्टेंस पर। तो मान लीजिए बच्चों, ये देखो एक प्लेन है जो कि हमारा, मान लीजिए ये प्लेन जो है ये x बराबर जीरो वाला प्लेन है, और देखो एक प्लेन बच्चों इसके पैरेलल है, यहाँ पर ऐसे करके ये वाला प्लेन बच्चों इसके पैरेलल है। तो ये प्लेन है x बराबर जीरो, मान लिया मैंने, है ना, ये प्लेन है हमारा, फॉर एग्जाम्पल ये मान लिया ये ए है, ये बी है और ये सी है, और मान लिया ये डी है। देखो ऐसे करके इसको ज्वाइन किया, इसको देखो, जैसे ये जो हमारा प्लेन है ना, ये वाला ए बी सी डी वाला प्लेन है ना, तो ये ए बी सी डी वाला प्लेन क्या है, देखो वाई जेड के पैरेलल है, तो जो ए बी सी डी वाला प्लेन है वो एक्स बराबर ए हो गया। और मान लीजिए इसको मैं कहता हूँ ए बी सी डी, और सॉरी ए बी सी डी इसको मैं बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ मैं ए बी सी डी, और इसको बोल देता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल ई एफ जी एच, ऐसे करके देखो ये। तो क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान दो, ये जो डी सी ई एच वाला प्लेन है ये हमारा वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन है ना, तो डी सी ई एच जो प्लेन है ये वाई जेड प्लेन है, और इसका इक्वेशन होगा एक्स बराबर जीरो। इसके पैरेलल देखो ये है, ये क्या है ए बी एफ जी, देखो ये वाला प्लेन ए बी एफ जी, ये क्या होगा, ये एक्स इक्वल टू ए प्लेन होगा, है ना, जो कि वाई जेड के पैरेलल है। इसी प्रकार बच्चों देखो, ये जो प्लेन है ए बी सी डी, देखो जो ए बी सी डी प्लेन है, ए बी सी डी क्या है बोलो, एक्स वाई एक्सिस पर है, ये जेड बराबर जीरो प्लेन होगा, ठीक। और इसके पैरेलल देखो ये प्लेन है क्या, ई एफ जी एच, ये प्लेन क्या है बोलो, ये है ई एफ जी एच,
और ये प्लेन होगा z इक्वल टू a क्योंकि ये इसके पैरेलल है ना। ए बी सी डी क्या है, ये एक्स वाई प्लेन है z बराबर जीरो, इसके पैरेलल प्लेन देखो ये है ई एफ जी z बराबर a। अब देखो ये प्लेन बचा क्या ए डी एच जी, ए डी एच जी ये क्या है, ये है एक्स जेड प्लेन। देखो ए डी एच जी ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बच्चों एक्स जेड प्लेन मतलब वाई बराबर जीरो, और इसके पैरेलल देखो ये प्लेन है क्या बोलो बी सी ई एफ। देखो ये वाला प्लेन बी सी ई एफ ये इस प्लेन के पैरेलल है, ये वाला प्लेन एक्स जेड प्लेन है वाई इक्वल टू जीरो और ये उसके पैरेलल है, तो ये मान लीजिए हमारा है y इक्वल टू ए प्लेन। तो बच्चों इस तरीके से छह प्लेन से देखो ये एक हमारा क्यूब बन रहा है, तो हमें cos divergence थ्योरम वेरीफाई करनी है। मतलब देखो यहाँ पर ये है कि इंटीग्रल f डॉट एंड ds की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए डाइवर्जेंस f dv। देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, थ्योरम को वेरीफाई करने का मतलब एक बार हम इस फार्मूले से पूरे क्लोज्ड सरफेस पर इंटीग्रेशन को निकालेंगे और एक बार इस फार्मूले से निकालेंगे है ना, और देखेंगे कि दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। देखो पहले हमें f डॉट एंड ds करना पड़ेगा। अब देखो f डॉट एंड ds में क्या होगा, हमारे पास छह सरफेसेस हैं तो हर सरफेस के लिए अलग अलग ये काम करना होगा और सबको आपस में ऐड करना होगा और डाइवर्जेंस f dv अलग से निकालना होगा, ये बात यहाँ पर समझो। तो हमारे पास बच्चों क्या है, देखो यहाँ पर छह सरफेसेस हैं तो सभी सरफेसेस के लिए s अलग अलग होगा, तो ये काम हमें पहले छह तरीकों से करना होगा और उन सबको ऐड करना होगा, तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी। राइट हैंड साइड तो आसान है, देखो जैसे कि मान लीजिए अगर ये सवाल कहता कि इसकी वैल्यू फाइंड करिए, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सीधे सीधे इसको लगाते भाई। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती, ये हमारा क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस पे अगर आपको इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आप इस मेथड से करके सवाल खत्म कर देते हैं। हम लोगों ने ऐसे कितने सवाल किए हैं पहले भी, लेकिन चूंकि यहाँ पर थ्योरम को वेरीफाई करना है तो हमें दो तरीके से थ्योरम, दो तरीके से इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक बार इसकी निकालनी पड़ेगी, तो इसकी निकालनी पड़ेगी, तो एस अलग अलग है, छः तरीकों से एस है, छः अलग अलग सरफेसेस हैं, और एक तरीके से ये निकालना पड़ेगा है ना। अगर हमसे खाली ये सवाल पूछता, वेरीफाई करने की बात ना कहता, तो हम फिर इसकी हेल्प से सवाल को निकाल देते और सवाल बड़ी आसानी से हो जाता, जैसा कि अब तक हम करते आ रहे थे। बात समझ गया ना, ये बात समझो। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x बराबर जीरो सरफेस लेंगे। देखो x बराबर जीरो सरफेस का मतलब जैसे ये वाई जेड प्लेन हो गया, x बराबर जीरो देखो ये वाला प्लेन हो गया डी सी ई एच, तो x बराबर जीरो जो सरफेस लेंगे तो उसका प्रोजेक्शन इसी पर ही आएगा। अच्छा फिर अगर हम ये वाला प्लेन लेंगे ए बी एफ जी, तो ये क्या है, ये वाई जेड के पैरेलल है, तो इसका प्रोजेक्शन भी वाई जेड पर ही जाएगा। जो प्लेन वाई जेड के पैरेलल है उसका प्रोजेक्शन वाई जेड पर जाएगा, जो प्लेन एक्स जेड, अब देखो जैसे मान लीजिए ए बी सी डी अगर हमने, तो ए बी सी डी क्या है, ये तो एक्स वाई प्लेन खुद ही है, तो इसका प्रोजेक्शन तो यही रहेगा भाई, ए बी सी डी खुद ही एक्स वाई प्लेन है तो इसका अपने पर प्रोजेक्शन यही रहेगा। हाँ जो प्लेन ई एफ जी एच है ये एक्स वाई के पैरेलल है, इसका प्रोजेक्शन भी एक्स वाई पर जाएगा है ना, वो क्या है देखो ये जेड बराबर ए, क्योंकि ये मैं मिटा दूंगा और मैं हर प्लेन के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन की वैल्यू को निकाल लूंगा। देखो समझो ध्यान से, देखो अब क्या होगा, सबसे पहले हम f डॉट एंड ds को निकालेंगे। चलो अच्छा पहले राइट साइड ही निकाल लें, चलो पहले राइट साइड निकाल लेते हैं, पहले चलो हम राइट साइड को निकाल लेते हैं। देखो राइट साइड क्या होगा, उसको निकालना बहुत आसान है क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तो हमें राइट साइड से फटाक से मिल जाएगा। देखो समझो डाइवर्जेंस f निकालो, डाइवर्जेंस f क्या होगा, ये क्या होता है, इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा रिस्पेक्ट टू x पार्शियली तो 4z आएगा, इसको रिस्पेक्ट टू y करना होगा पार्शियली तो माइनस का 2y आएगा, इसको रिस्पेक्ट टू z करना होगा पार्शियली तो प्लस y आएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4z माइनस y है ना। तो हमने सीधे सीधे पहले डाइवर्जेंस f को निकाला, तो डाइवर्जेंस f को निकालना बच्चों यहाँ पर काफी इजी है, ये हमने इसको निकाला। अच्छा तो क्या हुआ, जैसे कि मान लो हमसे अगर ये सवाल पूछता कि f डॉट एन डी एस बताइए, तो हम सीधे सीधे इसको निकाल लेते, हम वही करने जा रहे हैं। देखो डाइवर्जेंस f dv, तो क्या हुआ देखो इंटीग्रल डाइवर्जेंस f की देखो वैल्यू ये हो गई 4z माइनस y, और dv का मतलब क्या हो गया dx dy dz,
ठीक है, हम इस मेथड से क्वेश्चन को कर रहे हैं। पहले हम इस सवाल का राइट हैंड साइड निकाल लें। यहाँ पर देखो ट्रिपल इंटीग्रल आएगा, क्योंकि इधर भी आ गया dx dy dz। अब देखो जब ट्रिपल इंटीग्रल आएगा तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, जीरो से a जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ जाएगी, जीरो से a जाएगी। z की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ जाएगी, जीरो से a जाएगी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। मान लीजिए पहले मैं किसी के रेस्पेक्ट में कर लो, क्योंकि सारी लिमिट कॉन्स्टेंट है। जब सारी लिमिट कांस्टेंट होती हैं तो किसी के रिस्पेक्ट में पहले या बाद में हम कर सकते हैं। मान लो मैं z के रिस्पेक्ट में करता हूं तो क्या होगा, 4z स्क्वायर बाई 2, y तो कांस्टेंट है, y इंटू z, ठीक है। डाइवर्जेंस f समझ में आ गया ना, डाइवर्जेंस f कैसे निकालते हैं, i के कोफिशियंट को रिस्पेक्ट टू x करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा। प्लस j के कोफिशियंट मतलब माइनस y स्क्वायर को रिस्पेक्ट टू y करेंगे पार्शियली, तो माइनस का 2y आएगा। प्लस k के कोफिशियंट को जो yz है रिस्पेक्ट टू z करेंगे पार्शियली, तो y आएगा। उन सबको सम कर देंगे, ये हो जाता है डाइवर्जेंस f निकालने का तरीका। मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल से समझाया था। अब हम देखो रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं, तो z की वैल्यू क्या है, जीरो से लेकर a तक है, ये x और y वाला बचा रहेगा, ठीक है। अब पहले z की वैल्यू रखो तो 2a स्क्वायर और माइनस का क्या आएगा, y a आ जाएगा। z को जीरो रखोगे सब जीरो। अब डबल इंटीग्रल dx dy, x है जीरो से लेकर a तक और y भी जीरो से लेकर a तक। मान लो रिस्पेक्ट टू y करते हैं, तो रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या होगा, 2a स्क्वायर y होगा और माइनस ए वाई स्क्वायर बाई टू आएगा। जीरो टू ए करना है, रिस्पेक्ट टू x देखो ये आ गया। y की वैल्यू पुट करो तो क्या आ जाएगा, 2a क्यूब और माइनस का a क्यूब बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब बचा जीरो टू, a केवल x के रिस्पेक्ट वाला बचेगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा, देखो ये बचेगा 3a की पावर 3 बाई टू, ये फाइनली आ गया जीरो टू a और 3, है ना, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a की पावर 3 बाई 2 हो जाएगा dx। अब रिस्पेक्ट टू a करना है तो ये सब कुछ कांस्टेंट है, 3a क्यूब बाई 2 और 1 का x हो गया, x की जगह a रखोगे तो ये आएगा 3a की पावर 4 बाई 2। देखो ये इसकी वैल्यू आएगी फाइनली, है ना, 3a की पावर 4 बाई 2, ये इसकी फाइनली देखो राइट हैंड साइड की वैल्यू ये आएगी। समझ रहे हो ना, दिख रहा होगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पहले y के रेस्पेक्ट में किया, y की पहले वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कांस्टेंट आ गया, इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट इंटू x आ गया, x की जगह अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तुम समझदार हो इतना कर लेते हो। तो क्या आ गया देखो, 3a की पावर 4 बाई 2, ये हमारी राइट, मतलब अगर हमें केवल ये क्वेश्चन पूछा होता कि इसकी वैल्यू निकालिए, तो हम सीधे सीधे इसको लगा करके आंसर को निकाल देते और सवाल खत्म हो जाता, है ना। अगर हमें पूछा होता कि f डॉट एंड ds को निकालिए, तो हम f डॉट एंड ds को ना निकाल के गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का फार्मूला ये लगा देते और इससे हम आंसर को निकाल देते, अपने सवाल का आंसर हमको मिल जाता। तो आंसर क्या आया बोलो, आंसर आया 3a की पावर 4 बाई 2। अब यही आंसर हमें लेफ्ट हैंड साइड से भी आना चाहिए, इस बात को जरा बच्चों यहां पर ध्यान से समझिए। देखो अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना होगा, एक एक करके देखो करना होगा, 6 सरफेसेस हैं, तो 6 सरफेसेस एक एक करके करना होगा। लिखो जरा बच्चों ध्यान से यहाँ पर, दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर, मैं रखूंगा दिल के पास, मत हो मेरी जान उदास। देखो सबसे पहले हम x बराबर जीरो पर सरफेस को लेते हैं। मान लो मैंने सरफेस x बराबर जीरो को लिया, s को ये लिया, जब s को आपने ये लिया, x बराबर जीरो क्या है, वो yz प्लेन खुद ही है, तो इसलिए उसका प्रोजेक्शन yz प्लेन पर ही आएगा। तो मतलब यहाँ से जो हमारा ds होगा, ये होगा dy dz अपॉन n डॉट i कैप, ऐसे करके देखो ये आएगा, ठीक है, yz प्लेन पर लेना है ना। अच्छा n क्या होगा, ये होगा ग्रेडियंट s अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट s, ग्रेडियंट s निकालो, s क्या है, ये है s का मतलब x बराबर जीरो, तो s बराबर x हो गया। ग्रेडियंट क्या होता, i डेल y डेल x ऑफ s प्लस j कैप डेल y ऑफ s प्लस k कैप डेल y डेल z ऑफ s। तो अब जैसे x के रिस्पेक्ट में करोगे तो केवल 1 आएगा, तो केवल i आ गया।
वाई के रेस्पेक्ट में करोगे खाली एक्स है, भाई एस का मतलब क्या है, खाली एक्स है, वाई के रेस्पेक्ट में करोगे जीरो, ये भी जीरो, सबको जीरो जीरो हो गया, है ना। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आई का मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट वेक्टर है तो वन आ गया, तो एन कैप क्या आ गया, एन कैप आ गया दिस अपॉन दिस, मतलब आई कैप अपॉन वन, तो एन कैप की वैल्यू केवल आई कैप आ गई, है ना। अच्छा देखो एन कैप डॉट आई कैप लेना है, डी एस की वैल्यू क्या होगी, डी एस हो गया डी वाई डी जेड अपॉन एन डॉट आई कैप, तो आई कैप डॉट आई कैप वन हो गया, तो ये डी वाई डी जेड हो गया। अब देखो क्या होना है, इंटीग्रल एफ डॉट एन और डी एस, एफ डॉट एन क्या होगा, ये एफ है, इसका डॉट प्रोडक्ट आई कैप से लेना है, तो केवल और केवल क्या बचेगा, फोर एक्स जेड बचेगा, और डी एस की वैल्यू देखो ये है डी वाई और डी जेड, है ना, डी एस की देखो वैल्यू यहाँ पर ये। अब देखो चूंकि हमें वाई और जेड के रिस्पेक्ट में करना है, इसमें एक्स जेड आ रहा है, तो एक्स को हटाना पड़ेगा, एक्स को हटाना पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, क्योंकि सरफेस का इक्वेशन क्या है, एक्स बराबर जीरो है। तो जब आप एस बराबर जीरो यहाँ पर रखोगे, क्योंकि एक्स की वैल्यू, एक्स का आपको हटाना है, क्योंकि आप रिस्पेक्ट टू वाई एंड जेड करना चाह रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से जीरो रखनी पड़ेगी, तो जैसे एक्स को जीरो पुट करोगे वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो मतलब एक्स बराबर जीरो के अलॉन्ग जो आपका इंटीग्रेशन आया एफ डॉट एन डी एस आया, ये फाइनली जीरो आया, ठीक। अब दूसरा सरफेस लेते हैं, वो क्या है, वो है एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर ए को लेते हैं, एक्स बराबर ए भी क्या है, वाई जेड के पैरेलल है, जब वो वाई जेड के पैरेलल है तो उसका भी जो प्रोजेक्शन जाएगा वाई जेड प्लेन पर जाएगा, ठीक। तो वहां पर भी देखो डी वाई डी जेड यही होगा, डी एस यही होगा, एन क्या होगा, एन होगा ग्रेडियंट एस अपॉन एस। अब देखो एस की वैल्यू यहाँ क्या है, एस की वैल्यू यहाँ पर है एक्स माइनस ए, तो रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वन होगा, रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो जीरो होगा, यहाँ से ग्रेडियंट एस आई कैप आया, यहाँ से भी वही हुआ, इसका मैग्नीट्यूड लोगे वन होगा, तो डी एस क्या हुआ, एन कैप डॉट आई कैप, तो डी वाई डी जेड हुआ, तो एफ डॉट एन क्या हुआ, देखो एफ डॉट एन इसका इससे डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो फोर एक्स जेड आएगा, और डी वाई डी जेड हुआ, है ना। अब डी, अब देखो यहाँ से क्या हुआ, जो हमारा एस है वो क्या है, एक्स माइनस ए बराबर जीरो, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर ए रखी जाएगी, तो ये हुआ फोर, एक्स की वैल्यू ए रखोगे तो ए को भी बाहर ले लो, खाली जेड बचेगा और डी वाई डी जेड, डबल इंटीग्रेशन। अब देखो चूंकि ये क्या है, एक्स बराबर ए है, जब एक्स बराबर ए जो है वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, समझो बात को ध्यान से, जब वो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है तो क्या होगा, अब देखो इसमें डी वाई डी जेड हुआ, डी वाई डी जेड हुआ, तो अब हमें वाई और जेड की वैल्यू रखनी पड़ेगी, समझो ध्यान से, तो वाई की वैल्यू भी जीरो से लेकर ए तक होगी और जेड की वैल्यू भी जीरो से लेकर ए तक होगी, क्योंकि देखो वो जो प्लेन है वो एक्स बराबर ए है, जब उसका वाई जेड पर आप प्रोजेक्शन लोगे, जैसे कि मान लो ये हमारा वाई है ये जेड है, तो जब वाई जेड पे प्रोजेक्शन लोगे तो ऐसे होगा, तो वाई की वैल्यू भी जीरो से ए तक जाएगी और जेड की वैल्यू की अगर आप स्ट्रिप यहाँ पर काटोगे, क्योंकि तो आपने जो प्रोजेक्शन लिया वो वाई जेड प्लेन पर लिया और एक्स बराबर ए प्लेन है वो, सोचो, तो जब आप उसका प्रोजेक्शन वाई जेड प्लेन पर लोगे तो वहाँ पर मान लो ये आया, तो वाई और जेड दोनों की वैल्यू जीरो से ए तक जाएगी। अब मान लो पहले मैं इसको z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या होगा, 4 z के रेस्पेक्ट में करोगे तो z स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, z की वैल्यू रखोगे 0 से लेकर a तक, फिर y वाला बचा रहेगा, अब क्या हुआ z की जगह a रखोगे तो ये 2 से 2 कटेगा, 2a की पावर 3 हो जाएगा, 2a की पावर 3 हो जाएगा, रिस्पेक्ट टू y वाला बचा रहा, और y की लिमिट भी 0 से लेकर a तक है, तो रिस्पेक्ट टू y वाला बचा रहेगा, तो क्या होगा देखो 0 2a और 2a क्यूब रिस्पेक्ट टू y किया, जब रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो ये कांस्टेंट है, तो 2a की पावर 3 इंटू ए बचा, 2a की पावर 3 इंटू वाई बचा, और y की लिमिट भी 0 से a तक है, तो ये 2a की पावर 4 फाइनली देखो इस क्वेश्चन का हमें आंसर मिला, है ना, 2a की पावर 4 फाइनली हमें इस क्वेश्चन का अपना आंसर मिला। ये बात जरा यहाँ पर समझो, बोलो भाई इजी है काफी, थोड़ा टफ है, ये दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा होगा ना भाई, पहले z के रेस्पेक्ट में किया z स्क्वायर बाई 2 आया, अब z की आपने अपर लिमिट a रखी फिर लोअर लिमिट, तो 2 से 2 कटेगा 2a और a की पावर 2 तो 2a की पावर 3 हो गया,
अब रिस्पेक्ट टू वाई करना, तो रिस्पेक्ट टू वाई करना टू ए की पावर 3 इंटू वाई, और वाई की अपर लिमिट ए, लोअर लिमिट 0, तो वाई की जगह पहले ए रखोगे फिर 0 रखोगे तो 2 ए की पावर 4 बनेगा। तो ये आपका इंटीग्रेशन आया है किसके लिए, x बराबर a के लिए, बस समझो ध्यान से। अच्छा अब देखो सिमिलरली जब हम y बराबर, देखो हमने x बराबर 0 के लिए इंटीग्रेशन निकाला 0 आया, x बराबर a के लिए इंटीग्रेशन निकाला तो क्या आया 2 a की पावर 4 आया, ऐसे आया। अब आप समझो यहां पर ध्यान से क्या होगा बच्चों, जब आप बिल्कुल सेम मेथड से y बराबर 0 के लिए इंटीग्रेशन निकालोगे, है ना, जब आप बिल्कुल सेम मेथड से y बराबर 0 के लिए इंटीग्रेशन निकालोगे तो बिल्कुल ऐसे ही निकालोगे। बताओ भाई, चलो y बराबर 0 के लिए किया जाए, देखते हैं, सबके लिए करना पड़ेगा, 6 सरफेसेस है ना, 6 के लिए अलग अलग निकाल के सबको सम करना होगा, ठीक है। तो y बराबर 0 के लिए आप निकालोगे बिल्कुल सेम मेथड से आपको निकालना होगा, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है, देखो अब y बराबर 0 के लिए निकालते हैं, मिटा देते हैं सब कुछ, ये गलियां ये चौबारा यहां आना ना दोबारा, अजी हम तो भये परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं। देखो y बराबर 0 का मतलब क्या हुआ, xz प्लेन हुआ, तो उसका प्रोजेक्शन भी xz प्लेन पर ही होगा, तो ds क्या होगा, dx dz अपॉन मॉड ऑफ n डॉट j कैप होगा, ठीक। n कैप क्या होगा, ये होगा ग्रेडियंट s अपॉन s का मॉड, ग्रेडियंट s क्या होगा, s का मतलब ये हो गया, s का मतलब y हो गया, तो i डेल y डेल x ऑफ s का मतलब y, प्लस j डेल y ऑफ s, s का मतलब y, और प्लस k कैप डेल y डेल z ऑफ s, तो y को रिस्पेक्ट टू x करोगे ये भी 0, y का रिस्पेक्ट टू z करोगे केवल y का y के रिस्पेक्ट में आएगा वो बनाएगा, तो ग्रेडियंट s जो है ये j कैप आएगा, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो 1 हो जाएगा, तो n कैप क्या हो गया, n कैप देखो यहाँ पर हो गया दिस अपॉन दिस, तो j कैप अपॉन 1 यानी कि j कैप बचेगा। अब देखो है ना, n डॉट j कैप लोगे क्योंकि यहाँ पर रखना होगा, देखो ds क्या हुआ, ds हुआ dx dz अपॉन n डॉट j कैप, तो n की वैल्यू j कैप है तो j कैप डॉट j कैप 1 हो गया। बोलो भाई, है ना भाई, i कैप डॉट i कैप 1 होता है, j कैप डॉट j कैप भी 1 होता है, k कैप डॉट k कैप भी 1 होता है, हाँ i डॉट j 0 होता है, j डॉट k भी 0 होता है, ये सब आप जानते हो, फिर ही बताना मेरा फर्ज है बेटा, आप ये ना कहो सर ये तो बताए नहीं, तो n डॉट j कैप करोगे तो j कैप डॉट j कैप 1 हो जाएगा, तो ये ds क्या आ गया, ये dx dz आ गया। अब देखो f डॉट n निकालो, f डॉट n, f ये है और n कैप देखो ये है, तो केवल माइनस का y स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब देखो इंटीग्रल f डॉट n ds, तो f डॉट n का मतलब माइनस का y स्क्वायर, ds का मतलब dx dz, देखो रिस्पेक्ट टू एक्स जेड करना, y को हटाना पड़ेगा और y की वैल्यू क्या है, 0, तो जैसे ही y को 0 रखोगे ये पूरा हो जाएगा 0, मतलब y बराबर 0 के अलोंग जो अपना इंटीग्रेशन आया वो फिर 0 आया। अब आ जाओ y बराबर a, तो y बराबर a भी क्या है, एक्स जेड के पैरेलल प्लेन है, तो y बराबर a के लिए भी dx यही होगा। ग्रेडियंट s निकालोगे तो s यहां पर क्या है, s यहां पर है y माइनस a, तो रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी y माइनस a को रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 0 हो जाएगा, रिस्पेक्ट टू y करोगे तो केवल 1 आएगा, केवल यहाँ 1 आएगा, रिस्पेक्ट टू z करोगे भी 0, तो यहाँ पर भी ग्रेडियंट s जो है वो j कैप होगा, उसका मॉडुलस 1 होगा, n कैप क्या हो गया, j कैप मतलब ग्रेडियंट s अपॉन उसका मॉडुलस, तो मतलब j कैप हो गया। n डॉट j कैप करोगे, n डॉट j कैप करोगे तो 1 हो गया, ds क्या हो गया, dx dz हो गया, f डॉट n क्या हुआ,
एफ डॉट एन, एन क्या है जे कैप, तो एफ डॉट एन फिर यहाँ पर ये हो गया। तो देखो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप वाई की वैल्यू रखोगे तो वाई माइनस ए बराबर जीरो, तो मतलब वाई बराबर ए। तो यहाँ पर जब आप वाई की वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स डी जेड, और एक्स जेड की लिमिट यहाँ पर भी जीरो से ए और जीरो से ए जाएंगी। ठीक, तो अब आपको इसको डबल इंटीग्रेशन करना है रिस्पेक्ट टू एक्स और जेड। तो रिस्पेक्ट टू एक्स और जेड जब आप इसको डबल इंटीग्रेशन करोगे तो पहले मान लो रिस्पेक्ट टू जेड कर लो, पहले रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो क्या आएगा, माइनस ए की पावर थ्री आएगा, है ना, माइनस ए की पावर थ्री आएगा। फिर उसको रिस्पेक्ट टू जब आप एक्स करोगे तो माइनस ए की पावर फोर, इसका फाइनल आंसर माइनस ए की पावर फोर हो जाएगा। कर लेना आप, आसान है, पहले रिस्पेक्ट टू जेड करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, करना इसको वैसे ही ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब हम देखो यहाँ पर आ जाते हैं जेड बराबर, जो मतलब वाई बराबर ए के अलॉन्ग जो इंटीग्रल आया वो देखो ये आया माइनस, देखो ध्यान देना ये और ये सेम नहीं है, जैसे तुम ये मत समझना जो इसके लॉन्ग आया वो इसके लॉन्ग आएगा, ये ध्यान देना गलती हो सकती है। फिर हम क्या करें, देखो जेड बराबर जीरो के लॉन्ग आते हैं, जेड बराबर जीरो का मतलब एक्स वाई प्लेन पर जो हमारा था उसके लॉन्ग हम आते हैं। ठीक है, लिखो जरा, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को। देखो अब ये एक्स वाई प्लेन पर इसका प्रोजेक्शन जाएगा तो डी एस क्या होगा, ये होगा डी एक्स डी वाई अपॉन मॉड ऑफ एन डॉट के कैप। ठीक, एन क्या होगा, फिर वही ग्रेडियंट एस अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट एस, ग्रेडियंट एस क्या होगा, इसको रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो जीरो, रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो जीरो, रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो वन आएगा, तो खाली के कैप हुआ और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बोलो वन हो गया, तो एन कैप की वैल्यू क्या आ गई, खाली के कैप आ गई। तो अच्छा एन डॉट के क्या होगा, देखो एन डॉट के भी वन हो जाएगा क्योंकि एन ये है और के कैप ये है, तो के कैप डॉट के कैप वन हो जाएगा, तो ये डी एक्स डी वाई देखो बचेगा यहाँ पर, तो इंटीग्रल एफ डॉट एन, इंटीग्रल एफ डॉट एन और डी एस, देखो एफ डॉट एन, तो एफ का डॉट प्रोडक्ट एन से करोगे तो केवल वाई जेड बचेगा, वाई जेड बचेगा, और डी एस का मतलब क्या हो गया, डी एक्स डी वाई हो गया। अब यहाँ पर देखो ये रिस्पेक्ट टू एक्स वाई करना, जेड को हटाना पड़ेगा, लेकिन जेड की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सब जीरो, तो मतलब जेड बराबर जीरो के अलॉन्ग फिर से इंटीग्रेशन क्या आ गया, जीरो आ गया। अब आया z बराबर a, z बराबर a क्या है, x y के पैरेलल प्लेन है, उसका प्रोजेक्शन भी x y पर जाएगा, तो यही यहाँ पर होगा, है ना। तो s यहाँ पर क्या हो गया, s यहाँ पर हो गया z माइनस a, तो जब आप रिस्पेक्ट टू इसका ग्रेडियंट s निकालोगे तो ये केवल बचेगा, ठीक है ना, यही बचेगा, रिस्पेक्ट टू x करोगे जीरो, रिस्पेक्ट टू y करोगे जीरो, रिस्पेक्ट टू z करोगे तो ये आएगा, के कैप बचेगा, ये वन हो जाएगा। अब देखो f डॉट n कैप, तो एफ डॉट एन के फिर यहाँ पर ही आएगा, डी एक्स डी वाई आएगा। अब देखो यहाँ से सब कुछ यही होगा, अब आप अगर यहाँ पर समझो जेड की वैल्यू पुट करोगे तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए, तो जेड की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी ए, क्योंकि एक्स वाई है ना, जेड को हटाना पड़ेगा, तो जेड की वैल्यू यहाँ पर ए हो जाएगी, तो वाई इंटू ए डी एक्स डी वाई, और डी एक्स डी वाई की वैल्यू फिर वही, एक्स भी जीरो से ए होगा, वाई भी जीरो से ए होगा। तो मान लो रिस्पेक्ट टू पहले हम वाई करते हैं तो a इंटू वाई स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और जीरो से a हो गया, इंटीग्रल रिस्पेक्ट टू x हो गया, ये क्या हो गया, ये ए क्यूब बाई टू हो गया, ए क्यूब बाई टू हो गया, और x वाला बचा रहेगा जीरो से लेकर a तक, x वाले को फिर करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटू x आएगा, तो a की पावर फोर बाई टू फाइनली हमें देखो यहाँ पर आंसर ये मिलेगा, देखो ये हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइनली मिलेगी एफ डॉट एन डी एस की, ए की पावर फोर बाई टू हमको आंसर मिलेगा। तो जेड बराबर जीरो के लॉन्ग जीरो था और जेड बराबर ए के लॉन्ग आंसर क्या आया, ए की पावर फोर बाई टू आया, ये आंसर आया। अब हम सारे को ये कर लो, ये आसान है, इतना तो करना तुमने सीख लिया, ठीक है ना। अच्छा अब देखो अगर हम यहाँ पर इन सारे इंटीग्रेशन को जोड़ें तो हमें एफ डॉट एन डी एस फाइनली मिलेगा। तो एफ डॉट एन डी एस जो है इसका मतलब इन सबको ऐड करो, तो जीरो प्लस टू ए की पावर फोर
प्लस जीरो माइनस ए की पावर फोर और प्लस ए की पावर फोर बाई टू, तो क्या बच गया, ये बच गया ए की पावर फोर प्लस ए की पावर फोर बाई टू, तो बच गया थ्री ए की पावर फोर बाई टू। यही देखो आना भी चाहिए जो डाइवर्जेंस एफ डी वी से आया था। तो इस तरीके से ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बेटा वेरीफाई हो गई। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये आता है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को वेरीफाई करिए। तो ये बच्चों हम लोगों ने एक बड़ा अच्छा सवाल किया। एक क्वेश्चन देखो हम लोग यहाँ पर और कर लेते हैं छोटा सा, ठीक है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, फटाफट लिखो जरा बच्चों जल्दी से। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। देखो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कहते हैं कि प्रूव दैट इंटीग्रल नेवला क्रॉस एफ डॉट एन डी एस बराबर जीरो। एस क्या है, एनी क्लोज्ड सरफेस है। देखो ये अपना क्वेश्चन है ना, नेवला क्रॉस एफ और एस क्या है, क्लोज्ड सरफेस है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर जीरो प्रूव करनी है। देखो क्या है बच्चों यहाँ पर, ये उसी टाइप का है, नेवला क्रॉस एफ डॉट एन, देखो ये क्या हो गया, ये हो गया एफ डॉट एन डी एस, ये एफ हो गया ना, एफ एफ डॉट एन डी एस क्या होता है, ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ एफ और डी वी, बोलो यही तो होता है। ये एफ डॉट एन डी एस क्या होता है, डाइवर्जेंस एफ डी वी। देखो डाइवर्जेंस ऑफ नेवला क्रॉस एफ, डाइवर्जेंस का मतलब हो गया नेवला डॉट, देखो ये क्या एक्चुअली ये कर्ल है, नेवला क्रॉस एफ क्या होता है, कर्ल होता है कर्ल, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ आपको चाहिए। और ये बात आप जानते हैं कि ए डॉट है ना ए क्रॉस बी, अगर ये दो चीजें सेम हैं तो ये ट्रिपल इंटीग्रल, इसको हम स्केलर ट्रिपल इंटीग्रल कहते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है अगर दो चीजें सेम है। इसमें कोई भी दो चीजें सेम हो जाएं तो इसकी वैल्यू हमेशा जीरो हो जाती है, आप जानते हैं, तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो पूरा टर्म जीरो हो गया, पूरा टर्म जीरो हो गया तो पूरे का आंसर भी क्या आ गया, जीरो। इसकी वैल्यू चाहिए भाई एफ डॉट एन डी एस क्या हो गया, इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ डी वी, तो इसका डाइवर्जेंस चाहिए। डाइवर्जेंस का मतलब हो गया कि नेवला डॉट, क्योंकि डाइवर्जेंस में क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है, आपको मालूम है मैंने पढ़ाया, तो दो चीजें सेम है तो वैल्यू हो गई जीरो। तो फाइनली देखो इसका आंसर जीरो आ गया। तो काफी इजी और आसान क्वेश्चन बेटा आपके सामने है ये। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे कर लिए, जो भी पॉसिबिलिटी थी सब मैंने बता दी आपको। अब आप कोई भी क्वेश्चन लगाओगे तो आसानी से हो जाएगा, टेंशन नहीं पालना, लेकिन पूरी प्लेलिस्ट बेटा पढ़नी है, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट भी पढ़ लो, अच्छा होगा, थोड़ा वो 3D की प्लेलिस्ट भी जाकर के पढ़ लो, मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक यहाँ पर दे दो, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, मिलेंगे हम लोग हंसते हंसते पढ़ते रहेंगे, टेंशन नहीं पालेंगे, मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, बाय बाय।